हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पे। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पर्सनालिटी 2D के एग्जांपल व बेसिक नियम पर। तो प्यारे साथियों, कक्षा 10 गणित विभाजन एल्गोरिथम पे बात करेंगे हम। जान लीजिए कि विभाजन एल्गोरिथम बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से। इस साल भी 3 क्वेश्चन फंसे थे विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो आइए हम कंसेप्ट को समझेंगे, विभाजन एल्गोरिथम क्या चीज है, किस प्रकार से यह नियम पैटर्न पे चलता है, इसके नियम और पैटर्नों को समझेंगे। तो प्यारे साथियों, मान लीजिए कि px कोई संख्या है, px कोई बहुपद है, इसमें हम क्या करते हैं, gx से इसमें डिवाइड करते हैं। px कोई संख्या है, px यानी कि संख्या यानी कि बहुपद है, gx बहुपद से भाग दे रहे हैं, तो भागफल सपोर्ट ऐड कीजिए, qx आ गया और शेषफल जो है आ जाएगा आपका r। तो प्यारे साथियों, अब इसको हम बना सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम के थ्योरम पे। क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कराते हैं और इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इसका गुणा कराते हैं, इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा px इज इक्वल टू gx इंटू qx, qx प्लस कितना हो जाएगा, rx। तो प्यारे साथियों, यही है हमारा क्या, विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे और ढंग से पढ़ेंगे। तो यह रहा, अब अच्छे ढंग से बनाने के लिए मैं एक पैटर्न लेके आया हूँ, उसको देखिए, उस पैटर्न को ध्यान से देखिए, थोड़ा नियम उसके बारे में और पता चल जाएगा। तो प्यारे साथियों, अभी हम लोगों ने भाग के नियम से इसको बताया, लेकिन इसको एक पैटर्न के नियम से देखिए। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं, कोई दो क्या है, बहुपद हैं, जहां gx इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो gx की वैल्यू है वह क्या होता है, शून्य नहीं होता है, हो तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुणे qx प्लस rx, जहां rx या तो जीरो होगा अथवा rx की घात gx के घात से क्या होती है, छोटी होती है, उसके घात से क्या होती है, छोटी होती है, तब ही हमारा क्या, भाग की प्रक्रिया वहीं पे रोक दिया जाता है। तो प्यारे साथियों, यह रहा हमारा विभाजन एल्गोरिथम का नियम। आइए, इसमें एक कंसेप्ट यह रहा, अब दूसरे कंसेप्ट की हम बात करते हैं। प्यारे साथियों, अब द्वितीय नंबर कंसेप्ट पे हम चलेंगे। तो दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि अगर px में हम भाग दे रहे हैं किसका, gx का, सपोर्ट डेट कीजिए, यहाँ पे भागफल हमारा आ गया qx और शेषफल कुछ बचेगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा, rx आ गया। तो प्यारे साथियों, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर rx की वैल्यू अगर जीरो होगा, एक बार क्या होता है, rx की वैल्यू क्या होता है, जीरो होगा, अगर rx की वैल्यू जीरो हो तो हम कह सकते हैं px का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड कौन होगा, एक गुणनखंड gx होगा। बस यह हमारा रहा दूसरा कंसेप्ट का नियम। ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, अगर rx की वैल्यू, यानी विभाजन एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करके जब हम करेंगे काम, तो अगर rx की वैल्यू जीरो हो तो px का एक गुणनखंड gx होगा, अगर r की वैल्यू जीरो ना हो, अगर क्या करते हैं हम लोग, अगर rx इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो px का एक गुणनखंड gx नहीं होगा। प्यारे साथियों, यह हमारा रहा कंसेप्ट। अब इन्हीं दोनों कंसेप्ट के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इन्हीं दो कंसेप्ट पे पूरा 2D का प्रश्नावली और एग्जांपल आधारित है। आइए हम पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं और देखेंगे यह क्या पूछ रहा है। तो पहला एग्जाम्पल है, जांच कीजिए कि क्या x माइनस 3 px x पे क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड है। तो प्यारे साथियों, इसको पता लगाना है कि क्या px का एक गुणनखंड x माइनस 3 है कि नहीं है।
तो इष्ट या जब गुणनखंड की पता लगाना था प्यारे साथियों, तो हम भाग की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम का नियम लगाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, यक्स क्यूब माइनस टू यक्स स्क्वायर प्लस तीन यक्स माइनस 18 में डिवाइड कर देंगे किससे, यक्स माइनस 3 से। तो प्यारे साथियों, इसका बड़ा घात यक्स पे 3 है, इस पे कितना घात है, यक्स पे 1 घात है। तो प्यारे साथियों देखिए ध्यान से, हमको हर हालत में यक्स क्यूब को काटना रहता है, यानी कि यक्स में कैसे गुणा करें, यानी किस चर पद से गुणा करें कि यक्स क्यूब हो जाए। तो प्यारे साथियों, इस पे 2 घात है, इस पे 1 घात है, सॉरी इस पे 3 घात है, इस पे 1 घात है, तो 3 घात और 1 घात कितना कम है, 2 घात कम है, तो यानी कि यक्स पे 2 से गुणा करेंगे। जब यक्स पे 2 यहाँ पे लिखेंगे तो पहले इसके साथ गुणा, तब इसके साथ गुणा, दोनों के साथ गुणा करा के और समान क्या घात वाले के नीचे लिखेंगे, यानी यक्स स्क्वायर में यक्स का गुणा, तो क्या हो जाएगा, यक्स पे 3 घात माइनस इसके आगे प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 में यक्स स्क्वायर का गुणा, तो 3 यक्स स्क्वायर। तो प्यारे साथियों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि देखिए, 2 घात वाला 2 घात वाले के नीचे, 3 घात वाला 3 घात वाले के नीचे लिखेंगे। अब कोई भाग जब हम लोग लगाते हैं तो क्या कहते हैं, घटाते हैं, तो घटाने का मतलब जब किसी बहुपद के आगे घटाने का प्रति चिन्ह आ जाता है तो हम क्या होता है, 3 अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी कहने का तात्पर्य यही जान लीजिए कि क्या कहते हैं, चिन्हों को बदल देते हैं। इसके आगे क्या था, प्लस, तो क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह भूल जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस में एक्स क्यूब माइनस में, तो क्या आ जाएगा, यह कट जाएगा प्यारे साथियों। अब देखिए, माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, माइनस 3 भूल जाइए, अब प्लस में, यह माइनस चिन्ह किस में बदल गया, प्लस में, प्लस 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रफ कर करते हैं, माइनस 2 एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 एक्स स्क्वायर। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए, समान चिन्ह की असमान चिन्ह, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समान चिन्ह हो तो जोड़ के, समान चिन्हों को जोड़ के, यह नियम ध्यान दीजिएगा, समान चिन्हों को जोड़ के, बस इतना जानना है, समान चिन्हों को जोड़ के, अभी इसका अर्थ मैं समझाऊंगा जोड़ के। अब देखिए, समान चिन्हों का अर्थ होता है जोड़ के, ध्यान दीजिए, माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स आया, तो अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, इसलिए माइनस लगाएंगे, 4 3 कितना जाएगा, 7 एक्स, यानी कि माइनस 7 एक्स हो जाएगा। अब प्यारे साथियों एक सवाल और ले लेते हैं कि जैसे 4 एक्स स्क्वायर प्लस में और प्लस में 9 एक्स स्क्वायर, तो दोनों समान चिन्ह की नहीं है, प्लस प्लस समान चिन्ह, तो जोड़ के 9 4 13 13 एक्स पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार से क्या करते हैं, असमान चिन्ह होता है तो क्या नियम है, तो असमान चिन्हों को घटा के, असमान चिन्हों को क्या करते हैं, घटा के, नियम है असमान चिन्हों को घटा के। असमान का मतलब क्या हुआ, एक प्लस तो एक माइनस, जैसे यहाँ पे आ गया, देखिए एक प्लस में है तो किस में है, माइनस में है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं, लेकिन किसमें से किसको घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो 3 में से दू जाएगा 1, तो 1 आगे लिखेंगे नहीं, मान लीजिए 1 हो गया, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अब चिन्ह किसका, प्लस का चिन्ह लिखेंगे, लेकिन इसको हम एक शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं, इसको केवल एक्स स्क्वायर लिखिएगा ना, तब इसके बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 छिपा होता है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 18। यह विशेष ध्यान है, ध्यान देते रहिएगा, यह नियम है। अब देखिए एक्स पे 2 घात, यहाँ पे क्या है, एक्स पे 1 घात, अब एक्स पे 1 घात एक्स पे 2 घात, अंतर कितने घातों का, 1 घातों का अंतर है, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो हम किससे चिन्ह, कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस लेंगे। अब क्या आ जाएगा, 1 घात का अंतर, तो एक्स ले लेंगे, अब एक्स में एक्स का गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 3 एक्स हो गया। अब प्यारे साथियों क्या होता है, चिन्ह बदल दिया जाता है, इसके आगे प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस, भाई माइनस था तो क्या बन जाएगा, प्लस, अब भाई ये माइनस वाला चिन्ह भूल जाएंगे अपने दिमाग से, यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटने का मतलब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 एक्स प्लस, 3 एक्स प्लस, तो समान चिन्हों को काट के जोड़ के, तो 3 3 6 एक्स, क्या आगे प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि छिपा रहता, माइनस कितना आ जाएगा, 18। अब देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, एक्स पे 1 घात, एक्स पे 1 घात,
बताइए अंतर है कि कितने घातों का अंतर है, जीरो घातों का अंतर है, यानी कोई भी घात का अंतर नहीं है। जब इस कंडीशन में क्या कहते हैं, देखिए इसके बाद एक है, कुछ नहीं तो एक है, इसके पास क्या छह है, हमको एक्स में किससे गुणा करें, यानी एक्स में किस अंक से गुणा करें कि छह एक्स हो जाए, तो प्लस किससे गुणा करेंगे, छह से करेंगे, यानी छह करने छह एक्स और माइनस छह तीन अठारह, चिन्ह को बदल दीजिए, माइनस यहाँ पे प्लस दोनों कट जाएगा, आ गया सी एस इक्वल टू जीरो। तो चूंकि क्या देख रहे हैं, लिखेंगे चूंकि आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी आर एक्स इक्वल टू जीरो, इसलिए इसलिए पी एक्स का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड, एक गुणनखंड एक्स माइनस तीन है, बस इतना करना, सवाल लग गया। तो प्यारे साथियों, अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको सेकंड नंबर एग्जांपल पे लेकर चलते हैं, और इस चैप्टर में केवल भाग के ही बारे में हम लोग जानेंगे और भाग को ही पढ़ेंगे, यानी भाग बोले तो एल्गोरिथम विभाजन। पीटी को जीटी से भाग दीजिए, पीटी को जीटी से भाग दीजिए, जबकि पीटी बराबर टी पे फोर प्लस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस वन, और जीटी बराबर टी प्लस वन है। तो प्यारे साथियों, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का पैटर्न समझ लीजिए, इसी सवाल में हम पूरा पैटर्न को समझा सकते हैं हम आप लोगों को। एक प्रकार से सवाल डिवाइड को सीख लीजिए, डिवाइड बहुत बच्चों को नहीं आता, बहुत छात्रों को नहीं आता, बड़ी परेशानी होती है। प्लस टी पे तीन घात प्लस टी पे दो घात माइनस फाइव टी प्लस वन में डिवाइड करेंगे हम लोग किसके, टी प्लस वन में। ध्यान दीजिए, टी पे चार घात, यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे पीटी वाले बहुपद के पहले, यानी सबसे बड़ी घात वालों को देखेंगे, टी पे कितना, फोर घात है, इसमें सबसे बड़ी वाला बहुपद टी है, टी पे कितना घात है, एक घात है, अंक तो कोई नहीं है तो छोड़ दीजिए, अंक से कोई मतलब नहीं है। तो हम ये देखेंगे इसमें अंतर कितने घाटों का है, तो कितने घाटों का अंतर है, टी पे चार घाट और टी पे एक घाट, देखिए चार घाट है और कितने घाट है, एक घाट का अंतर, अंतर कीजिए कितना गया, तीन, यहाँ तीन क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे टी पे घाट है, यहाँ पे को पे घाट है, टी पे घाट है, यहाँ पे टी पे लगा दीजिए, यानी कि टी पे तीन घाट है, इसमें गुणा कराएंगे, बन गया, यानी टी पे कितना घाट, तीन घाट। ध्यान दीजिए, टी पे तीन घाट से टी में गुणा करिए तो कितना जाएगा, टी पे फोर प्लस टी पे कितना घाट हो जाएगा, तीन घाट हो जाएगा, दोनों पदों में गुणा कराएंगे, टी पे एक बार गुणा कराएंगे, एक बार प्लस वन में गुणा कराएंगे, अब क्या होता है, चिन्ह विपरीत हो जाता है, माइनस प्लस है तो माइनस, दोनों अंक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, दोनों बहुपद क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, कट गए। अब देखिए उतार दीजिए, टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस वन। अब ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, टी पे दो घात, इसमें दो घात है, इस पे कितने घात है, एक घात है, कितने घात का अंतर, आप बोलेंगे एक घात का अंतर है, तो अब हमको लगा देंगे केवल टी, लेकिन बीच में प्लस की माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ से दूर पता चलेगा कि वहां पे प्लस होगा कि माइनस, यहाँ पे टी के प्लस, यहाँ पे भी क्या प्लस लाना है, यानी प्लस में से, प्लस से किसमें से पूरा करेंगे, प्लस आ जाएगा, तो हम किससे पूरा करेंगे, प्लस से, यानी हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, अब क्या करेंगे, चिन्ह विपरीत कर देंगे, माइनस माइनस यह कट गया, माइनस पांच टी। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले स्टेप पे चलेंगे, माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे पांच टी माइनस में है और टी यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ देते हैं, तो माइनस कितना आ जाएगा, छ टी प्लस वन। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे अब मेरा आ गया छ टी प्लस वन, अब किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए तो माइनस छ से गुणा करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यानी कि पावर समान है दोनों के, अंक पे यहाँ कुछ नहीं है, अंक यहाँ पे माइनस छह, तो माइनस छह से दोनों पदों में, दोनों में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, माइनस छ टी और माइनस छ। अब क्या कर देते हैं प्यारे साथियों, माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस, यहाँ से इसको काट देंगे, छ एक सात। तो प्यारे साथियों, अतः हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भागफल बराबर, लिख दीजिए, अतः भागफल इज इक्वल टू टी पे तीन घात प्लस टी माइनस छ, और शेषफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सात। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से भाग हम लगा के सकते हैं, यानी इसी पैटर्न से हम भाग को लगाते हैं, थोड़ा सा
कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। आइए प्यारे साथियों, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखिए, px को gx से भाग दीजिए जबकि px बराबर x पे 4+1, gx बराबर x प्लस 1। तो प्यारे साथियों सॉल्यूशन इसका देखिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए, एक दो सवाल पे विशेष कंसेप्ट को समझिए, फटाक फटाक आप सवाल लगाते रहेंगे। यानी कह रहा है सवाल, px में आपको डिवाइड करना है किससे, gx से, यह प्रश्न ही है। तब इसी के पटंड के हिसाब से आप इसमें मान पुट कर दीजिए। यानी मान पुट करने का मतलब ये हो जाएगा कि x पे पावर 4+1 में डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। अब ध्यान दीजिए, x पे 4 घात, यहाँ पे x पे को घात 1 घात, तो 4 में से कितना, यानी कि कितना कम है, 3 कम है, यानी x पे पावर 3 से गुणा करा दीजिए इन दोनों पदों से। तो x पे पावर 3 से x में गुणा कीजिएगा तो x पे 4 आएगा, समान घात वाले के नीचे, यानी 4 घात वाले के नीचे लिखेंगे। x क्यूब में 1 के गुणा करेंगे तो प्लस x क्यूब होगा, तो बताइए x क्यूब का यहाँ ऊपर वाले में है, नहीं है, तो थोड़ा बगल में लिख देंगे। अब क्या होता है, चिन्ह विपरीत, यह माइनस, यह भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यह क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो पहला बड़ा घात वाले पहले को लिखते हैं, तो माइनस एक्स पे क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए प्यारे साथियों, इसके पास प्लस है लेकिन इसके पास क्या चीज है, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। अब एक्स पे 3 घात, एक्स पे को घात 1 घात, तो घातों में अंतर कितने का, 2 का अंतर है, तो एक पे स्क्वायर से गुणा करा दीजिए। ध्यान दीजिए घातों के अंतर देखेंगे, अब एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स में एक्स स्क्वायर में एक्स का गुणा, एक का गुणा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस था, प्लस कर दिया, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी जीरो बजे, यानी कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए एक्स स्क्वायर के सामने क्या है प्लस है, यहाँ माइनस किसमें कन्वर्ट हो गया प्लस में। अब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, प्लस लाना है तो प्लस लगाएंगे, अंतर कितने का, एक घात पर, यानी कि एक्स से, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब प्यारे साथी यह माइनस, यह माइनस, यह कट गया, यानी हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। अब एक्स एक्स सेम नहीं है तो क्या लेंगे, क्या लेंगे माइनस 1, तो माइनस एक्स माइनस 1। अब देखिए प्लस प्लस, यह कट गया, यानी कितना गया शेष 2। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि भागफल बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और शेषफल इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, शेषफल इज इक्वल टू 2। या इसको एक पैटर्न से और लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए आंसर में यह भी लिख दीजिए तो अति उत्तम हो जाएगा। x पे 4+1 बराबर, यानी इसका इतना बराबर, x प्लस 1 में गुणा कीजिए किसका, भागफल का, कितना भागफल, x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 आप प्लस जोड़ लीजिए 2। यह भी लिख सकते हैं आप आंसर में, इतना भी आप काम करके कर दी सकते हैं। तो यह रहा हमारा 3 नंबर का सवाल। आइए प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। केवल भाग ही करना है इस चैप्टर में। ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। चलिए भाग दे दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस कितना करेंगे 2। ध्यान दीजिए इसके पास, ध्यान दीजिए पहला पद इसका लीजिए x है, इसका पहला पद क्या है 2x स्क्वायर है। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ पे कितना है x, अंतर कितने का, एक घात का है, x पे पावर 1, यानी 1 तो लिखेंगे नहीं, यानी केवल x लिख दीजिए। अब देखिए अब 2 भी लाना है लेकिन इसमें कोई अंक नहीं है तो हम किससे गुणा करेंगे 2x से। प्यारे साथियों बनाने के लिए सवाल को सीखिए, अभी मैं x एक नया तरकीब बताते रहूंगा, उसके बाद बनाते रहूंगा सवाल को। 2x में ध्यान दीजिए 2x से इन दोनों पदों में गुणा कीजिए, तो 2x का 2, 2x स्क्वायर और 2 × 4 प्लस 4x हो जाएगा। अब क्या होता है चिन्ह विपरीत, माइनस माइनस, यह कट गया, प्लस 3x माइनस 4x,
यानी कि असमान चिन्ह तक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे यानी तीन यक्ष में से चार यक्ष को घटाएंगे तो माइनस यक्ष प्लस वन हो जाएगा। अब प्यारे साथियों अब ध्यान देने वाली बात है, माइनस यक्ष प्लस वन हो गया, अब माइनस मिलाना है, यक्ष यक्ष सेम है तो माइनस एक से गुणा, तो माइनस यक्ष माइनस दो, अब चिन्ह को कर दीजिए उल्टा, यानी यह माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, या माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, तो यह तो कट जाएगा दो आई दो आई एक कितना आ जाएगा तीन। तो प्यारे साथियों हम लिख सकते हैं भागफल बराबर भागफल बराबर भागफल इज इक्वल टू टू यक्ष माइनस वन, शेषफल इज इक्वल टू हो जाएगा कितना तीन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यक्ष टू यक्ष स्क्वायर प्लस तीन यक्ष प्लस एक इज इक्वल टू कितना यक्ष प्लस टू इंटू टू यक्ष माइनस वन प्लस कितना तीन, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं प्यारे साथियों, यह भी आंसर हो जाएगा। अगर चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, तोड़ना है तो इसका इसका गुणा करा दीजिए, ऐड कर दीजिए, इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर पांच पे, और पांच को देखेंगे और लगाएंगे। पांचवा नंबर सवाल, तीन यक्ष स्क्वायर माइनस यक्ष क्यूब माइनस तीन यक्ष प्लस पांच को यक्ष माइनस एक माइनस यक्ष स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो प्यारे साथियों पहले यह देखेंगे जो हमारा बहुपद द्वितीय है जिसमें भाग देना है, जिससे भाग देना है, दोनों क्रम से है कि नहीं है, क्रम से मतलब अवरोही क्रम में होना चाहिए, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ा घात वाला पहले, सबसे बड़ा घात, देखिए यह क्रम से नहीं है तो इसको क्रम से बनाएंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ा घात वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी सबसे लास्ट में अचर पद को लिखते हैं। तो प्यारे साथियों पहले इसमें भाग देने की बात कहा है तो पहले भाग दीजिए, पहले क्रम को सीधा बना दीजिए, मान लीजिए माना पी एक्स बराबर कितना है तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस पांच है, इसको हम क्रम से बनाएंगे, सीधा कर लीजिए, सबसे पहले बड़ा घात वाला, उसके बाद तीन घात पे से दो घात, तब एक घात वाला, तब शून्य घात वाला आ जाएगा, उसके बाद जी एक्स बराबर मान लीजिए दिया कितना यक्स माइनस एक माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। अब देखिए क्रम से हो गया, अब इसमें क्या करते हैं डिवाइड की प्रक्रिया चालू कर देंगे, यानी भाग की प्रक्रिया को हम लगा देंगे, यानी हम क्या करेंगे तीन सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब प्लस तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस पांच में डिवाइड कर लेंगे किसका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का। तो प्यारे साथियों माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ध्यान दीजिए अंतर कितने का है एक घात का, तो केवल यक्ष से गुणा करेंगे, माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे कोई चिन्ह लेने नहीं, प्लस से गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा अब तीनों पदों में कीजिए गुणा, इसमें इससे गुणा तो माइनस यक्ष क्यू, अब यक्ष में यक्ष का गुणा तो प्लस यक्ष स्क्वायर, माइनस एक में यक्ष का गुणा तो माइनस यक्ष, अब क्या करते हैं प्यारे साथियों चिन्ह बदल लीजिए, या माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, या प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, या तो खत्म हो जाएगा कट जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्यों हम इसको काट दे रहे हैं, ध्यान दीजिए माइनस चार यक्ष और प्लस चार यक्ष है, यानी देखिए यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे है, एक प्लस एक माइनस आता तो ये क्या होता है इसे कट जाता है, यानी कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों माइनस पांच प्लस पांच इज इक्वल टू जीरो होता है, इसको क्रम से पांच माइनस पांच भी लिख सकते हैं जीरो, उसी के आधार पर क्या होगा कट जाता है, बीज गणितीय नियम है या गणितीय भाषा में इसको काट दिया जाता है। अब देखिए तीन एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा दीजिए, दो एक्स स्क्वायर प्लस में बचेगा, प्लस आगे लिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस दो एक्स प्लस कितना पांच हो जाएगा। अब प्यारे साथियों दो है एक्स स्क्वायर वो भी प्लस में है, यहाँ पे क्या दिया माइनस, तो यहाँ पे हम फटाक के माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, केवल दो की जरूरत है, केवल दो से हम क्या करेंगे गुणा करा देंगे, तो दो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स अब माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस दो, अब क्या आ जाएगा चिन्ह विपरीत कर दीजिए माइनस प्लस माइनस, तो प्यारे साथी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, भाई पांच में से दो घटा कितना जाएगा तीन, तो प्यारे साथियों आ गया शेषफल तीन, अब भागफल कितना है एक्स माइनस दो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल इज इक्वल टू, भागफल इज इक्वल टू एक्स माइनस दो, शेषफल इज इक्वल टू
शेषफल इज इक्वल टू कितना दिया है 3। अब हम काम क्या करेंगे, कहा है विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो आइए विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करते हैं। तो आपको पता है, सिखाया भी गया है इसके पहले कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच किस प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए पीएक्स कोई है, इसको जीएक्स से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए जो भागफल है आ गया क्यूएक्स, क्यूएक्स जब आ गया तो यहाँ पे क्या होता है, शेषफल कुछ बचता है आर एक्स। तो क्या करते हैं, सत्यापन की जांच कैसे करते हैं विभाजन एल्गोरिथम, इसका इसमें करते हैं गुणा, आ इसको हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं शेषफल को, किसके बराबर आता है पीएक्स के बराबर हो जाता है। तो यानी विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, लिखेंगे प्यारे साथियों पीएक्स बराबर जीएक्स गुणे क्यूएक्स प्लस आर एक्स हो जाएगा। तो प्यारे साथियों पीएक्स की वैल्यू कितना है, पीएक्स की वैल्यू को हम लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, एकदम आराम से लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए पीएक्स की वैल्यू कितना है, दिया है 3 सॉरी माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 5 बराबर जीएक्स का मान कितना है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 गुणा करा दीजिए किसका, एक्स माइनस 2 का, अब प्लस कर दीजिए कितना 3। अब चलिए इसमें अब क्या कीजिए, इसमें गुणा कराइए, गुणा कराने का नियम है x को निकालिए इन तीनों के साथ गुणा करा दीजिए, यानी x को यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा जगह कम होने के नाते से, देखिए बराबर बराबर के नीचे होनी चाहिए आप कॉपी में लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ से कहीं थोड़ा सा जगह कम होने के नाते यहाँ बराबर हम लगा देते हैं, यानी x को निकालेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ गुणा, माइनस 2 को निकाला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के साथ गुणा, प्लस में 3 है तो प्लस में 3 लिख दीजिए, यानी यह कितना जाएगा माइनस एक्स पे 3 घात, एक्स में एक्स गुणा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस कितना है यहाँ पे कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे। तो अब प्यारे साथियों थोड़ा गौर करेंगे और थोड़ा हम चर्चा करते हैं, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा, 2 एक कम 2 प्लस 2 यानी माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 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 वाले को जोड़ देंगे 2 एक्स 1 एक्स कितना जाएगा 3 एक्स अब प्लस 3 2 कितना जाएगा 5। क्या इससे मिलान कीजिए, क्या इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो प्यारे साथियों अब हम कह सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यापित की जांच हो गई, क्या हो गया जांच हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि एल एच एस आ गया आर एच एस के बराबर, हम कह सकते हैं यह सत्यापन हो चुका है, यह सही है, इति क्या जाएगा सिद्धम, यह सिद्ध हो गया एल्गोरिथम के द्वारा कि यह सत्य है सवाल। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से आते हैं सवाल, तो इसी पैटर्न से लगाएंगे और ध्यान दीजिए हाई स्कूल यूपी बोर्ड में यह 5वें नंबर सवाल से एक सवाल पक्का है आना, ध्यान दीजिए यह एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 6 को लेते हैं और हल करेंगे। तो प्यारे साथियों 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देना है। देखिए इसका तो क्रम सही है, देखिए 3 घात 2 घात 1 घात 0 घात, लेकिन देखिए 0 घात 1 घात 2 घात, थोड़ा इसका क्रम गलत है, तो इसके क्रम को हम और वही क्रम में लिख लेंगे, लेकिन चलिए डायरेक्ट हम भाग देते हैं 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में डिवाइड करेंगे हम, इसको क्रम को सही कर दीजिए, क्रम को सही करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। प्यारे साथियों एक्स पे 3 घात एक्स पे 2 घात कितने का अंतर, 1 का अंतर, यानी कि एक्स पे पावर 1 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 है, यहाँ पे क्या है 3, 1 का पहला पल कोबार में 3 हो जाएगा तो 3 बार में, तो आपको पता होगा 3x पे 1 घात, लेकिन प्यारे साथियों क्या हम पावर के रूप में 1 लिखते हैं, तो नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 छिपा होता है। 3x का गुणा पहले x स्क्वायर में कीजिए तो क्या जाएगा 3x पे 3 घात, तो x पे क्यूब की x के क्यूब के नीचे वाले पद को लिखेंगे। अब 3x में 2x से गुणा तो 3 दूनी 6x स्क्वायर, स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखेंगे यानी प्लस 6x स्क्वायर। अब प्लस 1 का गुणा 3 में तो 3 एक कम 3x हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि चिन्ह विपरीत कर देते हैं, चिन्ह विपरीत कर दीजिए, जो प्लस रहता है वह माइनस, जो माइनस रहता है प्लस, चिन्ह विपरीत का मतलब यही होता है। तो यह कट जाएगा क्योंकि समान प
पद हैं और एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस है तो कट जाते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस छह एक्स स्क्वायर, देखिए ये असमान चिन्ह वाले पद हैं तो असमान चिन्ह वाले पदों को क्या करते हैं, घटाते हैं किसमें से, बड़ी में से छोटी संख्या को। छह एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा दीजिए तो माइनस पांच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा फाइव। देखिए पावर सेम आ गया तो कोई चर पद नहीं लेते हैं, अचर पद को लेंगे केवल माइनस पांच को, तो माइनस पांच इक्कीस माइनस पांच एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस पांच दूनी दस एक्स, आखिरकार कितना हो जाएगा पांच एक्कम पांच माइनस कितना हो जाएगा पांच। अब चिन्ह विपरीत कर दीजिए प्लस 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 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, कट जाएगा दस एक्स प्लस में एक्स किस में है माइनस में, तो यह हो जाएगा नौ एक्स प्लस कितना हो जाएगा दस। अब प्यारे साथियों क्या बताइए, इसके बाद अब भाग जाएगा तो बिल्कुल आप कहेंगे नहीं जाएगा, क्योंकि इससे कम वाला पावर यानी इससे कम है कि नहीं है, पावर के अनुसार यह पद क्या है कम है, तो हम इतना लिख देंगे अब बस। क्या हो जाएगा भागफल बराबर तीन एक्स माइनस पांच, शेषफल बराबर नौ एक्स प्लस दस, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही दोनों हो जाएगा। बस इतना कहा करने के लिए इतना कीजिए, परीक्षा में लेता है इतना करने के लिए इतना कर दीजिए, कुछ करने का काम जरूरत नहीं है, केवल भाग की बात कहा, भाग हम कर देंगे, बाकी सिंपल काम को खत्म कर देते हैं। आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर छह पे, छह हो गया, अब प्रश्न नंबर सात पे हम प्रवेश करते हैं। अब प्रश्न नंबर सात के नेचर को देखेंगे और कंसेप्ट को देखेंगे, किस तरीके से पूछा सवाल को, पहले हम सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और दिमाग पे जोर डालेंगे, यह कह क्या रहा है, उसके कहने का तात्पर्य समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, तब सवाल को लगाएंगे तो लग सकता है वरना नहीं लग पाएगा। तो आइए प्यारे साथियों चलते हैं हम प्रश्न नंबर सात पर। प्यारे साथियों सात नंबर का एग्जांपल दिया है, दो एक्स पे फोर माइनस तीन एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स माइनस दो के सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यदि आपको इसके दो शून्य करणी में दो और माइनस करणी में दो ज्ञात हो। तो प्यारे साथियों देख रहे हैं इस बहुपद में सबसे अधिक से अधिक घातों की संख्या कितनी है, तो चार है, तो प्यारे साथियों इनके चार शून्य होंगे जबकि दो शून्य दे दिया है और दो शून्य ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों यह यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल 2020 में एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था। तो प्यारे साथियों अब चलते हैं इसके क्रमिक चर्चा को करते हैं। तो पहले इसको लगाने का कंसेप्ट क्या है, तो लिखेंगे शून्य कौन कौन है, शून्य का हमारे पास करणी में दो है और एक शून्य क्या है माइनस करणी में दो है। ध्यान दीजिए इसका कंसेप्ट क्या है, एक्स माइनस पहला शून्य इंटू एक्स माइनस दूसरा शून्य आपस में गुणा करा दीजिए, गुणा कराने के बाद एक द्विघात बहुपद में आ जाएगा, अब तब उससे हम भाग देते हैं। तो प्यारे साथियों इसको लिखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस करणी में दो, अब हो जाएगा एक्स माइनस करणी में दो, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा करणी में दो। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो डायरेक्ट हम इसको करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करणी में दो का स्क्वायर, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी के अनुसार काम करने पर। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, देखिए दो शून्य देगा ना, दो शून्य देगा चाहे एक शून्य, देखिए एक्स माइनस पहला शून्य एक्स प्लस एक्स माइनस दूसरा शून्य कर दीजिए आपस में गुणा करें तब उससे भाग दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस करणी में दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा दो। अब क्या कीजिए प्यारे साथियों, अब इसमें भाग दे दीजिए, क्या है यहाँ पे भाग देते हैं कि दो एक्स पे चार घात माइनस तीन एक्स पे तीन घात माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स माइनस दो में भाग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस दो का। अब भाग कर दीजिए, इसका गुणनखंड करना संभव नहीं है, इसका गुणनखंड करना रहे तो हम तो कर सकते हैं लेकिन कुछ दिक्कत आएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं दो शून्य को से एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बनाएंगे, द्विघात बहुपद से इसमें भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए दो एक्स पे फोर घात, यहाँ पे दो घात है तो यानी आपको टू एक्स पे टू से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टू एक्स पे टू को टू एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा दो के दो एक्स पे पावर फोर, आधार समान होते हैं तो घातों को जोड़ लिए जाते हैं, दो तुनी चार माइनस चार एक्स स्क्वायर। तो प्यारे साथियों स्क्वायर में आया इसका गुणा और इसमें करेंगे तो स्क्वायर वाला आया तो स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखेंगे तो माइनस चार एक्स स्क्वायर, अब क्या करते हैं इसको घटा देते हैं माइनस
यह प्लस यह कट गया। तो पहले माइनस तीन एक्स क्यूब को उतारिए, अब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स स्क्वायर, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए, प्लस छह एक्स माइनस दो। अब तीन घात वाला आया, आपको पता होगा माइनस तीन एक्स होगा, तो माइनस तीन एक्स के तीन घात, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस तीन दूनी छह एक्स। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, या इससे कट जाएगा या इससे कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस दो। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस वन से कर देंगे हम, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कट किया जाएगा जीरो। जब क्या करते हैं, इस सवाल लगाने का एक और पैटर्न है, आप कभी गलत सवाल को गलती नहीं कर सकते। जब भाग को देंगे ना तो जान लीजिए हमेशा शेषफल जीरो बचेगा इसका, अगर जीरो के अलावा कुछ शेष बचता है तो जान लीजिए कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं। जब दोनों शून्यकों को आपस में गुणा करा देंगे, दोनों शून्यकों से हमारा जितना बना गया आपस में गुणा करेंगे, इससे जब इसमें भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, जीरो, हमेशा ही जीरो आता है प्यारे साथियों। तो यहाँ भागफल इज इक्वल टू कितना है, लिखेंगे भागफल इज इक्वल टू कितना है, टू एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस वन। अब इसका कर देंगे गुणनखंड, अब क्या कर देंगे इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, दो करने दो, गुणा करने पे दो, जोड़ने पे तीन, तो दो एक्स स्क्वायर माइनस दो प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस एक्स प्लस वन। अब देखिए दो एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस वन माइनस एक कॉमन, एक्स माइनस वन, अब क्या हो जाएगा दो एक्स माइनस वन एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वन। अब प्यारे साथियों एक बार क्या शून्यक निकालना है ना, अब इसको लिखेंगे, एवं शून्यक निकालने के लिए आपको तरीका मैं बता दें, बड़ी सिंपल तरीका, इफ टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो टू एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू एक बटे दो, एक्स की वैल्यू आ गया कितना, एक बटे दो। पुनः लिखेंगे इफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू एक, प्लस में एक हो गया, दूसरे दोनों शून्य निकल गए, क्योंकि दो शून्य दिए हैं, दो शून्य का आराम से हम निकाल लिए। अब तो लिख सकते हैं क्या, अब तो अतः यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट, अतः बहुपद टू टू एक्स पे फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस छ एक्स माइनस दो माइनस दो के शून्यक के सभी शून्यक सभी शून्यक क्या है, करणी में दो कामा माइनस करणी में दो कामा कितना है निकाले हैं, एक तथा एक बटे दो है। इस टाइप का एक सवाल आया था यूपी बोर्ड 2020 में, तो इस क्वेश्चन को लगाने पर छह नंबर आपको मिलेंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आप समझ लीजिए, इसको लगाइएगा तो आपको छह नंबर पक्का मिलेगा। तो आइए प्यारे साथियों क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ पे हम लोग प्रवेश करते हैं। तो प्रश्न नंबर आठ दिया है कि त्रिघाती बहुपद छ एक्स क्यूब प्लस करणी में दो एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस चार करणी में दो का एक शून्य करणी में दो है, अन्य दो शून्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों एक ही दिया है तो लिखेंगे x माइनस करणी में दो, x माइनस क्या हो जाएगा करणी में दो बन जाएगा, x माइनस करणी में दो एक शून्य के साथ मिला के, अब इसमें इससे क्या कर देंगे भाग दे देते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे लिखेंगे छ एक्स क्यूब प्लस करणी में दो एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस चार करणी में दो हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे हम किससे, इसी से डिवाइड कर दीजिए जो हमारा शून्य के साथ मिलकर बनाए यहाँ पे, यहाँ पे इसी से क्या कर दीजिए डिवाइड, यानी एक्स माइनस करणी में दो से। अब छह है यहाँ पे एक्स क्यूब है तो कितने घात की कमी, दो घात की कमी, तो छ एक्स पे दो घात, तो कर दीजिए इससे गुणा, तो छ एक्स पे कितना घात तीन घात, करणी में दो का गुणा छ, देखिए करणी में दो का गुणा छ एक्स स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा माइनस छ करणी में दो एक्स स्क्वायर। अब देखिए चिन्ह को विपरीत कर दीजिए, प्लस क्या गया क्या माइनस, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, या तो कट जाएगा करणी छ को गो करणी दू को गो है छ को करणी दू को गो है कुछ नहीं तो एक हो, तो कितना हो जाएगा छ एक सात, सात करणी में दो एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स
माइनस चार करणी में दो। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या है, सात करणी में दो है, यहाँ पे यक्ष है, तो प्लस सात करणी में दो यक्ष से गुणा करेंगे, तो सात करणी में दो यक्ष स्क्वायर माइनस, देखिए सात दूनी कितना जाएगा, करणी में दो, करणी में दो गुणा हो जाएगा दो, सात दूनी चौदह, यानी कि माइनस चौदह यक्ष। अब क्या करते हैं, माइनस यहाँ पे प्लस, यह कट जाएगा। अब या चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो क्या घटा दीजिए, तो हो जाएगा चार यक्ष माइनस चार करणी में दो, तो प्लस किससे गुणा करेंगे, चार से, तो कितना आ जाएगा, चार यक्ष माइनस चार करणी में दो। अब क्या करेंगे, चिन्ह विपरीत कर देंगे, माइनस प्लस कट जाएगा जीरो। हम आपसे ऑलरेडी पहले ही कह चुके हैं कि इस टाइप के सवाल को लगाइएगा ना, भाग की प्रक्रिया कीजिएगा तो शेषफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा। अगर शून्य नहीं प्राप्त हुआ तो जान लीजिए कहीं ना कहीं सवाल मिस्टेक किए हैं, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ट्रिक है, यही नियम है, यही रूल है इसका। अब क्या करेंगे, लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल बराबर कितना आ गया, छ एक्स स्क्वायर प्लस सात करणी में दो एक्स प्लस कितना है चार। अब इसका कर दीजिए गुणनखंड, तो गुणनखंड करने पर क्या होगा, गुणनखंड कर दीजिए, भागफल इतना है, या इसको भागफल इतना कर दीजिए। अब भाज्य बराबर आपका कितना है, यहाँ पे एक स्टेप और, भाज्य बराबर है छ एक्स क्यूब प्लस करणी में दो एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस चार करणी में दो। उसके बाद भाजक कितना है आपके पास, भाजक हमारे पास एक्स माइनस करणी में दो। शेषफल कितना है, लिख दीजिए शेषफल बराबर कितना बचा है, इस कंडीशन में शेषफल हमेशा क्या बचता है, जीरो। तो आपको पता होनी चाहिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन क्या हो जाएगा, शेषफल, शेषफल इतना हो जाएगा। तो भाज्य बराबर यानी कि यहां से हम लिखना प्रारंभ करेंगे, छ एक्स क्यूब प्लस करणी में दो एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस चार करणी में दो इज इक्वल टू, अब कितना है भाजक कितना है, एक्स माइनस करणी में दो इंटू बराबर के लगाइए, छ एक्स स्क्वायर प्लस सात करणी में दो एक्स प्लस चार करणी यानी कोष्टक वन यानी कि जीरो हो जाएगा। यानी अब इसका गुणन, इसके जीरो का प्लस जीरो का मतलब कुछ होगा, नहीं होगा। तो अब इसका हम कर लेंगे गुणनखंड, कीजिए गुणनखंड, देखिए क्या होता है, यानी कि लिखेंगे एक्स माइनस करणी में दो, इसका करिए गुणनखंड क्या होगा, ध्यान दीजिए छ चौक को चौबीस, गुणा करने पे कितना होना चाहिए, चौबीस होना चाहिए, गुणा करने पे छ चौक को चौबीस, गुणा करने पे चौबीस आज जोड़ने पे सात करणी में कितना आना चाहिए, दो। तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं छ एक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद इसको तोड़ेंगे यानी कि चार करणी में दो और प्लस तीन करणी में दो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं करणी में दो को चार को, करणी में दो को तीन को, चार तीन सात को हो जाएगा, चार तीन बारह दूनी चौबीस आ गया, यक्ष प्लस कितना चार। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चलिए थोड़ी सी हम अब इसको तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा यक्ष माइनस करणी में दो, यहाँ पे क्या होगा छ यक्ष स्क्वायर प्लस चार करणी में दो इंटू यक्ष प्लस तीन करणी में दो इंटू यक्ष प्लस चार। अब प्यारे साथियों कॉमन इसमें से लेंगे, यहाँ पे देखिए छ एक्स स्क्वायर है तो छ एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट कीजिए क्लियर, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए छ, ध्यान दीजिए छ को कर सकते हैं तीन गुणे दो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए चार को कर सकते हैं दो गुणे दो, दो दूनी चार, तो देखिए दोनों में क्या मिला, दो मिला कि नहीं मिला, दो मिला, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो कॉमन हो सकता है, यहाँ पे दो कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, लीजिए दो कॉमन, देखिए क्या होता है, ले लीजिए कॉमन, तो यहां से देखिए यक्स माइनस करणी में दो, यक्स माइनस करणी में दो, अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम दो यक्स, तो बचेगा तीन यक्स प्लस दो दूनी चार, यानी कि दो करणी में दो। अब प्यारे साथियों इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, करणी में दो कॉमन ले लेंगे प्लस करणी में दो, तो करणी में दो कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा तीन यक्स और प्लस दो करणी में दो हो जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा दो करणी में दो कैसे होगा, इसको आप गौर से देखिएगा।
तो अब आइए यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस करणी में दो, यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रैकेट में तीन एक्स प्लस दो करणी में दो, और दूसरे कोष्टक में दो एक्स प्लस करणी में दो, ब्रैकेट बंद। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस करणी में दो, यहाँ पे जाएगा तीन एक्स प्लस दो करणी में दो इंटू टू एक्स प्लस करणी में दो हो गया, यानी कि गुणनखंड कर दीजिए। अब गुणनखंड करने के बाद अब हम शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। लिख लीजिए इफ अगर एक्स माइनस करणी में दो इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू करणी में दो, पहला शून्यक है जो दिया था, इसको भी निकाल लेते हैं। इफ एक बार इतने शून्यक निकालना रहता तो क्या जीरो मान के निकालते हैं, इतने बराबर जीरो मान लीजिए, तीन एक्स प्लस दो करणी में दो इज इक्वल टू जीरो तो तीन एक्स इक्वल टू माइनस दो करणी में दो, एक्स इक्वल टू माइनस दो करणी में दो अब बटे कितना तीन, यही आंसर दे दीजिए, परिमेयकरण करा दीजिए, करणी में दो गुणे करणी में दो तो कितना बन जाएगा, गुणा कराइएगा तो कितना बनेगा, बन जाएगा हमारा चार माइनस चार बटे तीन करणी में दो, पहला शून्य निकल गया जो हमारा अन्य एक दो शून्य निकालने थे। अब इफ लिखेंगे दो एक्स प्लस करणी में दो इक्वल टू जीरो मान लीजिए, दो एक्स इक्वल टू माइनस करणी में दो, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस करणी में दो बटे दो, परिमेयकरण करा दीजिए नीचे ऊपर करणी में दो से गुणा तो माइनस दो बटे दो करणी में दो आ जाएगा। तो दोनों अन्य शून्यक हमारे पास निकल गए, अतः लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे बढ़ा के थोड़ा सा लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए अतः अतः करणी में दो के अतिरिक्त के अतः अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य शून्यक अन्य शून्यक कौन कौन से हैं, यानी कि चार माइनस चार बटे तीन करणी में दो, और देखिए यहां से यहां कट जाएगा नहीं कट सकता है, यानी माइनस एक बटे दो करणी में दो है, सॉरी यहाँ पे दो नहीं रहेगा इतना है, या नौ काटे पीछे और परिमेयकरण न करें तभी हमारा क्या सवाल सही है। तो इस टाइप के सवाल को हम इसी प्रकार से हल करेंगे प्यारे साथियों। अब चलते हैं क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, अब हम लेके चलते हैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 9 की ओर।